नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और आज हम आए हैं राजू अग्रवाल जी के वार्ड नंबर 64 में। यहाँ पे कई दिनों से जो सीवर लाइन देख रहे हैं कि टूटी हुई है लाइन और पूरा पानी बह रहा है यहाँ पे, और लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस पानी की लाइन के कारण हमारे बच्चे तक बीमार हो रहे हैं, बहुत समस्या है। राजू जी, आप हमें बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है मामला पूरा? ये सीवर की लाइन है, बड़ी लाइन है, ये हमारे बाईपास से रजनी विहार, जगदीशपुरी व धाबास होते हुए हमारे अजमेर रोड बाईपास से हमारे वार्ड के अंदर मेन जनपद रोड गौतम मार्ग होती हुई ये अमानी सागर नाले में जाती है। ये लाइन गई साल भी टूटी थी, उसमें कम से कम सरकार का 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ था नगर निगम का। इसके बारे में हमने अधिकारियों को अवगत भी कराया था, लेकिन अधिकारियों को कोई इससे मतलब नहीं है। अधिकारी तो बस हर साल पैसे पास करेगी और ये नहीं देखते कि पहले ड्रेन सिस्टम बनाए, जो 26 कंपनियां नेट वाली उनको यहाँ से बाहर निकाले बिना परमिशन वाले को, ये बोगियों से नेट के कनेक्शन नेट की लाइन डालते हैं, उसकी वजह से बार बार ये लाइन टूटती है। और ये आज से 32 साल पहले ये लाइन डली थी सिविल लाइन, ये जज्जर हो चुकी है, अंडा पूरी लाइन जज्जर हो चुकी, इसी कारण ये टूटती है। मैं तो ये जो आप बता रहे हो 32 साल पुरानी जज्जर हो चुकी, उस कारण टूटी है या जो केबल्स जो नेट केबल वालों ने डाली है या उस कारण टूटी है, क्या रीज़न है इसका जो आप कह रहे हो हर साल टूट जाती है? ये केबल वाले जिनके पास परमिशन नहीं है ये अंडरग्राउंड लाइन डालते हैं और ये बोगियों से करते हैं, मशीनों से करते हैं। अब इनको ये तो पता है नहीं कि कहाँ से लाया ये सिविल लाइन जा रही है, कहाँ से पानी की लाइन जा रही है, और वह काम चालू कर देते हैं, इसकी वजह से ये टूटी है। मेरे आज 8 कॉलोनियों में इतनी बुरी दशा है, इतने बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमार पड़ रहे हैं, ये गंदा पानी उनके घरों में निकल रहा है, गटर लाइन से चौक हो रही है, वह पानी के टैंक तक भर गए इनके, जो घरों में पानी के टैंक होते हैं वो भी इस गटर लाइन से भर गए हैं। तो मेरा तो इतना सही कहना है कि आप मीडिया के द्वारा ये अधिकारियों को मंत्रियों को ये पहुँचाए, जिससे हमारी वार्ड की, और आपका वार्ड तो आदर्श वार्ड भी रह चुका है अभी, आपकी स्थिति में देखें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मतलब जो अव्यवस्थित लग रहा है आपका वार्ड। ये गई साल में ये वार्ड आदर्श वार्ड में आया था, लेकिन और गई साल मैंने जितनी भाग दौड़ करके अधिकारियों मंत्रियों से भीख मांग कर ये रोडें बनाई गई थी, जनता खुश भी थी। इस बार जनता इतनी दुखी है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे इस वार्ड के अंदर। आज जनता इतने हमारे घरों पे आकर, 20-20 लोग घर पे आकर कार्यालय पे आकर दो बात सुना के जा रहे हैं, वो जनता का भी कहना सही है, बेचारे दुखी हैं, इनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं जो इस रोड का काम चल रहा है। पार्षद साहब, आप हमें ये बताएं कि जो रोड का काम चल रहा है, कितने साल पहले आपने ये रोड बनवाई थी? ये रोड हमने 2023 में ही बनाई थी। मेरे वार्ड के अंदर पूरे वार्ड में करीब करीब हर गलियों की रोड बनाई थी मैंने। आज 8 कॉलोनी की रोडें पूरी टूट चुकी है और उसमें ऐसे खड्डे हो चुके हैं, चलना भारी हो रहा है और बरसात अब आने वाली है, ये सब इस सिविल लाइन की वजह से टूटी है। और अब ये जो काम होगा वापस से रोड कब, कितने दिन में हो जाएगी सही? क्योंकि अगर सिविल लाइन सही भी हो जाती तो आपको क्या लगता है कितने दिन में ये रोड पूरी हो जाएगी, क्योंकि मेन लाइन रोड लग रही है मुझे यहाँ से, कनेक्टिविटी लग रही है। सिविल लाइन का ठेकेदार वो बेचारा अपने बढ़िया अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है बढ़िया। अभी 3 दिन हमारे लाइट की फॉल्ट हो गई थी, उसकी वजह से भी काम रुक गया। हमारे एक्सीएन श्रीमान अग्रवाल साहब, उन्होंने अच्छा वो रोज़ आकर देखते हैं और ठेकेदार को भी बताते रहते हैं, लेकिन लाइन बड़ी है, करीब 300 मीटर की लाइन टूटी है। जब ये लाइन डल रही थी, आप बता रहे हैं कि दो जो जियो केबल एयरटेल जो अलग अलग कंपनीज की लाइन डली हैं, तो क्या जब डल रही थी तो किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ये, या आप लोगों ने देखी नहीं कि परमिशन है या नहीं इनके पास? अभी तो लेटेस्ट हमारे ये पता पड़ा, मालूम हुआ था कि RSB की जो अंडरग्राउंड लाइनें डाल रही है उनको हमने मना भी किया था कि आप अभी बरसात के दिनों आप बाद में डालना, अभी मत डालना। और इस लाइन के बारे में मैं स्वयं बता के गया था ठेकेदार को कि ये जज्जर लाइन हो चुकी है, इसमें थोड़ा ध्यान से करना, लेकिन उन्होंने बिना सोचे बिना समझे और बोगियों से जो मशीन आती है उससे लाइन डाल दी इन्होंने, जो कई जगह ये पिंचर हो चुकी है ये लाइन। हमारे साथ यहाँ पे यहाँ वार्ड वासी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्या आ रही है आपके वार्ड में, क्या है? गटर का पानी पूरे लाइन में भर रहा है, इनकी यानी सुविधा नहीं है क्योंकि आगे लाइन टूट चुकी है और आगे लाइन जा नहीं रही, पानी जा नहीं रहा, बारिश आती तो यही पानी पर 100 गुना भर के घरों में जाता है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं यहाँ बहुत सारे। आप देखिए, आप भी यहीं पे रहते हैं? यहीं पे सामने ही है सर,
हमको भी बहुत सारा प्रॉब्लम आना, क्या क्या आ रही है समस्या आपको? हम लोगों को जाने में समस्या हो रहा है और यहाँ पे पानी बोर्डिंग में पूरा ऐसे खराब पानी आ रहा है, तो बहुत सारा समस्या। तो क्या ये जो घर में पानी आ रहा है उसमें भी मिक्स होते हुए आ रहा है? सर बिल्कुल, पूरा टंकी में मिक्स पानी जाता है, उससे हमारे बहुत सारा बोर्डिंग खराब हो चुका है अंदर। तो फिर बाद में पानी की कैसे, जो पीने वाला पानी उसको कैसे आप लोग बाहर से मंगा रहे हैं, टैंकर मंगा रहे हैं बाजार से? और जो आप लोगों ने टैंकर मंगवा के क्या डायरेक्ट चढ़वा रहे हैं, फिर बाद में जो डायरेक्ट चढ़वा रहे हैं? क्योंकि नीचे टंकियों में तो साफ करवानी पड़ेगी, टंकी अंदर दरारी पड़ गई, टंकी पानी अंदर दबाव मार रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये था वार्ड 64 की समस्या, जो कि हमारे राजू अग्रवाल जी ने भी बताई, यहाँ के आम जनता ने भी बताई, और हम यही चाहते हैं नगर निगम अधिकारियों से कि जल्द से जल्द ये दुरुस्त हो और लोग यहाँ पे जो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी का समाधान करें।